तुमने आज तक कितनी लड़कियों को धोखा दिया है? 1 kg चिकन अकेले कैसे खा लेती हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिताली की दुनिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज शंकर भी मेरे साथ है वीडियो में, क्योंकि उसको बहुत कम ही टाइम मिल पाता है कि वो मेरे साथ शूट करे। बट आज उसकी छुट्टी है, संडे है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा, मतलब कुछ ऐसा कपल के साथ में कुछ वीडियो बनाए, ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरटेन हो और हमें भी अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक गेम लेके आई हूँ, जिसमें कि हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में जो हमें नहीं पता है वो पर्ची में लिख रखा है, कुछ एक ऐसा क्वेश्चन जो हमें एक दूसरे के बारे में पता चलेगा और आप लोगों को भी पता चलेगा। तो देख के, ये वीडियो देख के आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मैं दिखा दूँ, कुछ इस टाइप से पर्ची लिख रखा है मैंने, क्वेश्चन वाला। और मतलब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे जो कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट वो सच सच बताएगा जो भी है इसमें क्वेश्चन वो देख के। तो मैं जो है शंकर के कटोरी में से उसकी पर्ची निकाल के मैं पढ़ूंगी और उसका रिप्लाई दूंगी, और वो मेरी कटोरी में से पर्ची निकाल के रिप्लाई देगा। जो भी लिखा होगा उसका सच सच जवाब देना, ये नहीं कि कुछ भी झूठ बना के बोल दो। ठीक है, तो पहले कौन, मतलब तुम उठाओगे या मैं उठाऊँगी? पहले मैं उठाऊ। तो गाइस, मुझे मिताली का फोन का पासवर्ड नहीं पता, तो यही मौका था मुझे पासवर्ड निकालने का। तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है, मतलब पासवर्ड फोन का, पैटर्न का? तो मैं वैसे चेंज कर दूंगी, मैं अभी बता देती हूँ, सच बताना है तो मैं अभी सच बता देती हूँ क्या है। 6 को 6 पर डायल करना है, 6666666 पर डायल करना है और खुल जाएगा। अभी मैं चेंज कर दूंगी वीडियो बनने के बाद। चलो ये हो गया, अब तुम्हारी बारी, उठाओ मेरे से और सच बोलना है, जो भी बोलना है सच बोलना है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। पढ़ के सुनाओ जोर जोर से, ताकि लोगों को भी आवाज आए। कभी स्कूल टाइम में किसी टीचर को लाइन मारा है? हाँ, मैंने बहुत मारा है। मेरे कंप्यूटर टीचर थी मोनिका नाम से, तो मैं उन पर बहुत लाइन मारता था। बताओ, टीचर का नाम नहीं बता रहे भाई, जिस वो टीचर देख रही होगी तो क्या सोच रही होगी शंकर के बारे में? तो बात बनी थी कुछ ना, मैम की शादी हो गई फिर। अब मेरी बारी, मैं उठा के देखती हूं। ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब तुमने भी नहीं लिखा, तुम अपने लाइफ में कितने बार प्यार किया है? वैसे मैंने अपनी लाइफ में, सच बता रही हूँ, मुझे प्यार होता नहीं है जल्दी से। कोई किसी से भी बात कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, जल्दी से कोई, मतलब किसी के लिए फीलिंग नहीं आता है। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। बाकी क्या भी होगा तो वो सिर्फ अट्रैक्शन था, बचपना था, कोई प्यार नहीं था। प्यार मैंने एक ही बार किया है, सच्चा प्यार, वो भी मैंने सिर्फ तुमसे किया है। अब तुम्हारी बारी, सच बोल रहे। पढ़ पढ़ के सुनाओ यार, मतलब जोर से पढ़ के सुनाओ, ताकि आगे वाले को भी क्वेश्चन। तुम कभी किसी लड़की को, लड़की के साथ यो होटल गए हो? इस चीज़ का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, तब तक किसे ले जाऊँ मैं? उसके बाद यो तो मैं शादी होने के बाद ही आया है, नहीं तो इससे पहले तो हो सकता किसी को ले जाऊँ, लेकिन अभी तो मौका ही नहीं मिला किसी को ले जाऊँ यहाँ पे। फ्यूचर में जाना है ना? अब नहीं जाना है। वेरी गुड, बंदे को मौका ही नहीं मिला, उससे पहले इसकी शादी हो गई, देख लो। चलो अब मेरी टर्न है, मैं देखती हूँ क्या लिखा है तुमने मेरे क्वेश्चन में। तुमने मुझसे कोई बात छुपाई है क्या, मतलब किस टॉपिक पे कोई बात छुपाई है? वैसे मैं सच बोल रही हूँ, तुमसे बहुत सारी बातें छुपाती हूँ, बस किस टॉपिक को लेके बातें छुपाई है ये भी तो पता होना चाहिए। जो पर्सनल है वो उसे बता दो बस, मैं तो जरूरी हूँ। हाँ, मैंने तुमसे काफी बातें छुपाई है, बस ठीक है अभी बताओ। अच्छा चलो एक बात बता देती हूँ, जब तुम काम पे चले जाते थे, अभी नहीं बहुत पहले की बात है, जब तुम काम पे चले जाते थे तो फिर मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ घूमने निकल जाती थी। और तुम फोन करते थे, कहा तो मैं बोलती थी मैं घर पे हूँ। बट छिपाई है, वैसे तो तुम भी करते हो, जोर जोर से पढ़िए।
तुमने आज तक कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। चलो आज सच्चाई पता चली जाएगी। तीन चार होगा, तीन चार लड़कियों को धोखा दिया है, मतलब तुमने धोखा दिया या उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है? उन्होंने मुझे भी दिया, मैंने भी दिया है। नहीं ऐसा नहीं ना, तुमने किसी को धोखा दिया है, सिर्फ तुमने, मतलब आगे वाले की मतलब फीलिंग के साथ खेला है, धोखा दिया है, मतलब वो तुम्हें प्यार करती है, तुम उससे प्यार नहीं करते हो, उसको धोखा दिया है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो चलो बेचारे को मौका ही नहीं मिला कि किसी को धोखा दे, सबने इसी को ही धोखा दे दिया। चलो अब मेरी टर्न है। अब बताओ ना। हाँ दे यार, तो बता दो, मतलब पनीर का क्वेश्चन है, मैं कैसे बोलूं? बताओ क्या है। आप लोगों को भी सुन के हंसी आएगा, तुम 1 kg चिकन अकेले कैसे खा लेती हो? मतलब कुछ भी है। तो मैं बता रही हूँ मैं कैसे खा लेती हूँ। मेरे को बचपन से ही खाने पीने का बहुत आदत है, मतलब मैं जिस फैमिली से आती हूँ, अभी तो फिलहाल मिलता नहीं है मुझे, शादी के बाद बहुत कम कम मिलता है, बट मैं जिस फैमिली से आती हूँ वहाँ पे ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन फिश और चिकन नहीं बनता था, कभी फिश कभी चिकन, कभी फिश कभी चिकन, तो इसलिए मुझे आदत है। अगर तुम मुझे 1 kg चिकन भी मतलब फ्राई करके या फिर बना के दे दोगे तो मैं आराम से बैठ बैठ के खा लूंगी, इतना आदत तो है मेरे को। अब तुम्हारी टर्न। तुम्हारी पहली क्रश का नाम? सच सच बताओ, तुम्हारी पहली क्रश का नाम क्या है? और थोड़ा जोर से पढ़ के। मेरा पहला क्रश जो है उसका नाम सुप्रिया है, और वो गलत बोल रहे हो तुम, क्रश पूछ रही हूँ मैं, प्यार नहीं, क्रश मतलब किसी को हम लाइक करते हैं, किसी को मतलब। मेरा वही था, वही था। हाँ। उससे पहले तुमने एक बताया था, वो नहीं था ना। अच्छा ठीक है। मेरी टर्न। तुम मेरे फ्रेंड लोगों से मेरे बारे में क्या क्या पूछते थे पहले? मैं तुम्हारे फ्रेंड लोगों से ज़्यादातर यही पूछती थी, जासूसी मेरे बारे में। इनके फ्रेंड लोगों को मैं भाई मानती हूँ, और मैं ऐसे पूछती थी, भाई शंकर तेरे वहाँ पे गया है क्या, भाई शंकर से तेरी बात हुई है क्या, भाई शंकर तेरे वहाँ पे कितने बजे गया था, कब तक रुका था, बस यही सब पूछती थी पहले। मेरे बारे में बहुत जासूसी करते थे मेरे फ्रेंड, पहले पूछती थी, लेकिन कोई बताता नहीं था इससे। इनके फ्रेंड लोगों ने भी काफ़ी कुछ सच बता रहे, इनके बारे में बताया है, चुगलियाँ करी है, बट इनको बिलीव नहीं होता है कि हाँ मेरे से बता रखा है, बट बता रखा है बहुत सारी बातें जो कि मतलब इनको भी नहीं पता है कि किसने क्या बताया। मैंने आज तक बताया भी नहीं है कि तुम्हारे कौन से फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में क्या पर्सनल डिटेल बता रखे है, बट बहुत कुछ बता रखा है। इतने फ्रेंड लोगों पे भी ना इतना आप भरोसा करके ट्रस्ट नहीं करने का। मुझे पता है किसने बताया, ठीक है। हाँ तो पता है। हाँ। नहीं पता है तुम्हें, आज तक पता ही नहीं है तुम्हें। हाँ मैं पूछती थी पहले, बहुत पूछती थी, बट अब 2-3 सालों से नहीं पूछती। अब तुम्हारा। तुमने कभी स्कूल में किसी लड़की को किस किया है? स्कूल में ना, स्कूल में कभी किस नहीं किया। अच्छा स्कूल टाइम में किसी को किस नहीं किया? ना सच्ची सच्ची, तुम इतने शरीफ थे। स्कूल में जाता ही नहीं था ठीक से, तो कहाँ से किस करूँगा मैं। चलो हमारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से हमने पूछा, काफ़ी कुछ पता चला। वैसे तो देखो इन्होंने एक चीज़ तो झूठ बोला, बट चलो कोई बात नहीं। क्रश के बारे में पूछा था, क्रश इन्होंने मुझे कुछ और बताया था, और अभी कुछ और बताया। अब इन्हें कोई पता है कि इनकी रियल क्रश कौन थी। तो आज का जो वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम दोनों ने एक दूसरे की लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी जो सच्चाई है आप लोगों को बताया, शेयर किया, आप लोगों को अच्छा लगे, पूरी कोशिश किया। तो आगे तुम बोलो, इंट्रो दो कुछ। बोलो कुछ तुम भी, मैं ही बगर बगर करी काफी करो ना, आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो कर ही रही हूँ। तो फ्रेंड्स बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, इस टाइप का और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो मैं आज का ये वीडियो यही खत्म करती हूं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ जरूर सब्सक्राइब कर ले जो हमें पहली बार देख रहे हैं, ताकि हम आगे ऐसे ऐसे मज़ेदार वीडियो बनाएं तो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग देखो, इंटरटेन हो। और एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो के लिए, क्योंकि एक लाइक करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता, बट हमें जो है बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब
अच्छी सी फीलिंग आती है कि चलो कोई तो पसंद कर रहा है। तो गाइज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वीडियो को यही एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।